अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ जई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह आपकी आवाज़ इतनी धीमी क्यों है, इतनी हल्की क्यों है? कुछ रोजा है, कुछ नींद है, कुछ थकावट है, बस मेरा ख्याल है। ये तो होगा अब टुवर्ड्स द एंड जो है, वो जो बॉडी की सारा साल आपने एनर्जी सेव की होती है और वो सारा एक वो जो एक हशाशियत बशाशियत आपके अंदर होती है, बस वो आहिस्ता आहिस्ता बस वो जारी होती है। लेकिन ये कि दिल में उदासी होती है, वो जो एक टाइम है, ये टाइम साल में एक ही दफा आता है और पता नहीं अगले साल ये वक्त किसको नसीब हो किसको ना हो, तो वो एक उदासी। अपनी बात करें भाई, अपनी बात करें। हाँ, किसको नसीब हो किसको बोलो, मुझे शायद नसीब ना हो, अपनी बात करें और क्या। लोगों पे दूसरों पे डाल दिया ये भी आपने, किसी को नसीब हो किसी को ना हो। तो सही, ये है इस वजह से। सही, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये वाकई अहम अहम चीज़ है। अच्छा, कल जिस तरह हमने बात की थी कि 21 रमज़ान मुबारक था कल, हज़रत अली करमल्ला वजह का यौम शहादत था, और आज 22 रमज़ान मुबारक, आज हज़रत हलीमा सादिया जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा होने का जिनको दर्जा हासिल है, आज उनका यौम वफ़ात है। और उनकी जब हम पढ़ते हैं बायोग्राफी या जो वाक़ियात सीरत की किताबों में उनके हवाले से नकल हुए हैं, तो उनकी शख्सियत के बारे में भी यही बात सामने आती है कि नहायत ही एक बावक़ार शख्सियत उनकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ कहिए कि सबसे ज्यादा जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, हाँ, गोद में खिलाया, जिसके सबसे ज्यादा करीब भी रहे, क्योंकि वालिदा का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 5 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास रहे, 2 साल तक पहले रहे, फिर उसके बाद वो वापस लेकर आई हलीमा सादिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से मिलवाया उनको, फिर लेकर गई, तो कुल 5 साल का अरसा। और वो जो एक बचपन का जो फेज होता है, बिल्कुल इनिशियल लर्निंग्स जो आपकी होती हैं, वो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में उन्होंने पाई। बिल्कुल, वो क्या खुश नसीब गोद, और अल्लाह ताला ने भी उस गोद को चुना। बिल्कुल, उस बिल्कुल, गोद में भी बहुत ऐसी चीजें होंगी कि जो शायद उस वक्त किसी और के पास नहीं थी, इसीलिए वो गोद चुनी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो भी बड़ा गहरा रिश्ता था। और जब हम वो पढ़ते हैं वाकयात कि जब हजरत हलीमा सादिया आ रही थी मक्का की तरफ, और वो जो एक रिवाज था के बच्चों को परवरिश के लिए खवातीन को सुपर्द किया जाता था, तो आते हुए तो उनका जो ऊंट था वो सबसे पीछे था, और जब आखिर में वो पहुंची हैं और फिर उसके बाद सारे बच्चे जो हैं वो तमाम खवातीन ने ले लिए थे, और फिर जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सुपर्द किए गए, तो फिर जब वो उनको लेकर निकली हैं, तो फिर उनका जो ऊंट था वो सबसे तेज था, और जो बरकतें उनके घर पर नाजिल होना शुरू हुई हैं उसके बाद, वो अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ज़ाते गिरामी के साथ जो उनका ताल्लुक था, उसकी वजह से कितनी बरकतें उन पर नाजिल हुई हैं। वो ताल्लुक हम भी कुछ कायम कर लें, कुछ किसी तरीके से बिल्कुल कोशिश करें, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि उस उन नस्बतों का थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी हो जाए, और वो जो एक रोशनी है और बरकतें हैं उसकी, वो हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएं। लेकिन उसके लिए मेहनत हमें पहले करनी है, बाद में फिर इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखनी है कि वो बरकतें। हम मेहनत नहीं करते, हमारा मसला ये, हम सिर्फ बातें करते हैं। बिल्कुल बातें करते हैं, कोशिश तक नहीं करते। मेहनत तो चले कोशिश के बाद आती है ना, कोशिश आपने पहले की फिर उसका मेहनत आप कर लिया, तो आप कोशिश भी नहीं करते, फिर आप गिला शिकवा आपका ये होता है कि भाई मैंने तो ये दुआ मांगी थी और वो तो कबूल ही नहीं हुई, मैंने तो ये पूछा था इसका तो मुझे कोई जवाब ही ना मिला। तो ये चीजें जो है, ये आप पहले खुद को देखें। वो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं मैं कौन सा बड़ा वलीउल्लाह हूँ कि मुझे अल्लाह ताला से मतलब कोई इस्तिखारा होता है या कोई इस किस्म की चीज होती है ना, तो वो मैं तो पता नहीं कहूँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा। तो आप ये मत जज करें कि वो आपको कैसे मिलेगा, वो अपने देने के मुताबिक देता है, वो अपनी शान के मुताबिक देता है, आपकी शान देख के हमारी शान देख के थोड़ी देता है। अगर हमारी शान देख के देता होता तो जीरो, फिर आप मामला आपकी जिंदगी में कुछ भी ना होते, सिफर होते। बिल्कुल, वो अपनी शान के मुताबिक देता है जिसको देता है। आप बस मांगे और दिल खोल के मांगे और इस एतमाद से मांगे कि वो आपको मिलेगी चीज अगर आपके हक में होगी, और अगर नहीं होगी तो भी उसका किसी ना किसी तरह से सिला, कोई और चीज जो है वो आपके नसीब में होगी। बिल्कुल, अब चूंकि दुआ मांगने की बात है तो हम बढ़ते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं की तरफ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से आज जिस दुआ का हमने इंतखाब किया है, वो दुआ है हर नुकसान से बचने के लिए, किसी नुकसान का अगर अंदेशा हो तो आप ये दुआ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला उस नुकसान से आपकी हिफाजत होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या दुआ फरमाई थी, आइए देखते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू,
जिसके नाम के साथ आसमान या ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, और वो सुनने वाला जानने वाला है। अब इस दुआ के बारे में फरमाया गया कि ये दुआ आप सुबह और शाम 3-3 मर्तबा पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला वो जिस भी नुकसान का अंदेशा है वो नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नुकसान हो जाए तो फिर वो, हमने इससे पहले भी एक दुआ बताई थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी नुकसान पर पड़े और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उससे बेहतर आपको अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बढ़ते हैं जी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हमने जिस वस्फ का ज़िक्र करना है वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामों पर शफ़क़त और रहमत। जो ग़ुलामी का एक सिलसिला था, और ज़ाहिर है उस ज़माने में वो एक राइज सिलसिला था, उसमें कोई किसी को कवाहत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिलसिला सारी दुनिया में फैला हुआ था। बिल्कुल। और उसको किस तरीके से, यूँ कहिए कि एक तरीके से उसकी हौसला शिकनी भी की गई, और उसको जब किसी भी इंसान को अपने ग़ुलाम से बेहतर सलूक की तरफ, बेहतरीन सलूक की तरफ माइल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया, इसकी एक छोटी सी झलक हम आज आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम शुरुआत करें तो आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के आज़ाद करने को जो है उसके बारे में मुझे भी निजात फरमाया है। और मतलब ये कहते हैं कि चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो ये है कि जो कोई किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करता है, जो कोई किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करता है, उस ग़ुलाम के हर इज़्व के मुकाबले में अल्लाह ताला उसका इज़्व जो है वो दोज़ख की आग से आज़ाद करता है। आपके जिस्म का, हाँ बिल्कुल, जो भी हिस्सा है, मिसाल के तौर पर उस पूरी इंसान को आपने आज़ाद किया तो उसके एक एक जिस्म के हिस्से के एवज़ जो है वो आपको दोज़ख की आग से निजात का जो है वो मामला आपके साथ होगा। अब इससे बड़ा सिला क्या होगा इंसान की, इससे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी, इससे बड़ी चाहत क्या होगी कि हमें दोज़ख से निजात मिल जाए। हम जो भी कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात, अल्लाह ताला के सारे अहकामात, वो इसीलिए हैं कि आप उन पर अमल करें और उसके बदले में वो जो दोज़ख का अज़ाब है उससे निजात मिल जाए और आप जन्नत की तरफ चले जाएँ। और यहाँ पर एक ग़ुलाम को आज़ाद करना दोज़ख से निजात, मतलब उसका पूरा जिस्म आपका दोज़ख से निजात का बाइस है वो बन जाएगा। और हम वो कहते हैं ना हम कि हमें पता नहीं है कैसे जन्नत पानी है, दो जन्नत का दरवाज़ा अपने लिए कैसे खोलना है, घर कैसे बनाना है। आप छोटी छोटी चीज़ें आप देखें तो वहाँ पर आपको जन्नत ही की नवीद सुनाई है, और उसके अलावा बात ही कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सिला होगा, यहाँ पर तुम्हारा घर होगा। इसी किस्म की हमें दीन में जो है हमारी बातें मिलेंगी, और इसी किस्म की जो जिसको कहते हैं ना कि नवीदें मिलेंगी खुशी की। अच्छा, इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हवाले से जब ग़ुलामों की आज़ादी की और ग़ुलामों के साथ रवैये की सलूक की बात होती है तो वो फरमाते हैं कि तुम्हारे ग़ुलामों में जो तुम्हारे मवाफिक हुआ हो उसे खिलाओ, और जो तुम खुद खाते हो वो चीज़ उसे खिलाओ। बिल्कुल। और वो उसे पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और अगर जो तुम्हारे मवाफिक ना हो उसे बेच दो, खल्के खुदा को अज़ाब ना दो। हमें ये भी होता है ना कि आप, अच्छा अब ये एक हमने ये मामला देखा ग़ुलामों वाला, अब ग़ुलामों वाला सिलसिला नहीं है, अब क्या है आपके घर में जो लोग काम करते हैं, अब आप इन तमाम चीज़ों को उन पर इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है कि जी कोई अगर आपके घर में काम करने वाला शख्स है तो आप जहाँ खाना खा रहे हैं उसको आपने दूर अलग से बिठाया हुआ है नीचे ज़मीन पर, उसको अलग से एक प्लेट डाल कर दे दी है। अच्छा, वो आप साथ बिठा कर नहीं खिलाते उनको, जो आप खा रहे हैं वो नहीं खिला रहे, उनके लिए अलग सस्ता खाना बनवा दिया, खाना पुराना खाना बासी खाना वो दे दिया आपने, लेफ्ट ओवर जिसको हम कहते हैं। तो अब ये वो सलूक है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की, जो खुद खा रहे हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहन रहे हो उन्हें पहनाओ, जो बेहतरीन सलूक हो सकता है उनसे वो करने की बात है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा अपने ग़ुलाम को मार रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी और उन्होंने कहा अबू मसूद जान लो कि जिस कदर इस ग़ुलाम पर तुम्हारा इख्तियार है उसी कदर खुदा का तुम पर इख्तियार है। मैंने मुड़ के देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर पाया और मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसको रज़ाए खुदा के लिए आज़ाद कर दिया। ये बात सुनते ही उन्होंने आज़ाद कर दिया। अब सहाबा कराम का तर्ज़ अमल भी देखें कि जैसे ही उनके सामने एक बात आई उन्होंने फ़ौरन उस पर अमल किया, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अगर तुम ऐसा न करते तो दोज़ख की आग तुमको जलाती। फिर एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने एक अजमी ग़ुलाम को बुरा भला कहा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी। अब एक्सेसिबिलिटी भी देखी
कि वो गुलाम चला गया उनके पास और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे बुरा भला कहा है। अब ये सिर्फ कहने की बात है और हम क्या क्या कह रहे होते हैं, क्या क्या कह रहे होते हैं, क्या क्या सलूक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अबू ज़र तुम में जाहिलियत है, वो तुम्हारे भाई हैं, खुदा ने तुमको उन पर फजीलत दी है, उनमें जो तुम्हारे मुवाफिक ना हो उसे बेच दो, खल्के खुदा को अजाब ना दो। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा वो काम उनका सही नहीं है तो आप हटा दें, बिल्कुल उनको जाने दें, उनको आप उनको मुआवजा दें और उनको कहें जाने दें। एक बात जो सबसे अहम बात, अब ये ज़रा सुनकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें आप। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह हम खादिम को कितनी बार माफ़ करें। अब अच्छा, उन्होंने खामोशी रखी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरी बार दरियाफ्त किया फिर खामोश रहे, तीसरी बार दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हर रोज़ 70 बार माफ़ किया करो। अब हर रोज 70 बार माफ करना है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे का मतलब ये है कि अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं, 25 घंटे हो और 75 मरतबा माफ करना हो तो हर घंटे में 3 मरतबा माफ कर रहे हैं आप, यानी कि हर 20 मिनट बाद आप माफ कर रहे हैं उसको, हर 20 मिनट बाद आप अपने खादिम को माफ कर रहे हैं, यानी कि माफ करने का मामला किस वक्त आता है, जब वो कोई गलती कर देता है, आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा होता तो आप उसको कुछ कहें ही ना बेसिकली। तो अगर हर 20 मिनट बाद भी आपका खादिम कोई गलती कर रहा है तो भी माफ कर दे। अब ये एक्सीलेंस इन बिहेवियर है, बिल्कुल, इस पर कैसे पहुंचेंगे हम, इस पर कैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने, इससे जितना बेहतरीन इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोशिश जरूर करें, लेकिन कोशिश के नंबर मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आखिरी एग्जाम में, और जो बेहतरीन उससे भी फिर आप आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एक शख्सियत के बारे में पढ़े, हजरत बिलाल जी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप पढ़े कि उनकी गुलामी से पहले की जिंदगी कैसी थी और फिर जब उनकी आजादी की तरफ इस्लाम की तरफ वो आए तो उनकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई और उनके साथ रवैया सहाबा कराम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था, उनकी फिर आप जरा बिल्कुल पढ़ें थोड़ी सी जिंदगी के हवाले से और आपको बहुत बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी। वो तो सबसे मतलब मारूफ और मकबूल तरीन जिनको कहते हैं कि शख्सियत थे इस्लाम की, तो आजान के हवाले से उनकी हम बात सुनते हैं तो उनको आप जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गुलामों के साथ कैसा रवैया रखना है। ये था जी सीरत मुबारका से कुछ जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से सलूक और पर शफकत और रहमत का। अब हम बढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम 60 सेकंड्स न्यूज की तरफ जाएंगे अब। जी दिखाएं 60 सेकंड न्यूज। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस से मुतालिक बिल के खिलाफ दरखास्तें मुकर्रर, 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल की समाअत, पाकिस्तान बार का मुल्क भर की अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। कानूनी और शरई लिहाज से इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था, मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक के घर पेट्रोल बमों से हमला। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, IMF। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी, भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैटर करार, मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर। FIA ने बैनुल अक्वामी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ लिया, 41 जाली कंपनियां बनाने वाला मुलजिम इफ्तिखार रसूल गिरफ्तार। ख्वातीन पर पाबंदियां अंदरूनी मसला है, अक्वामे मुत्तहदा हमारे फैसलों का एहतराम करे, अफगान नायब वजीर इत्तला'अत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। शहजादा हैरी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। और सऊदी अरब में ईरान का सफारतखाना 7 साल बाद दोबारा खुल गया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब ज़रा बढ़ते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अतीका ओडो। हाँ, अतीका ओडो साहिबा की एक वीडियो, बड़ी खूबसूरत वीडियो, गिलाफ काबा जो है उससे लिपट के रोना, उससे हाँ नहीं मैं वैसे कह रही हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उससे लिपट के रोए, उससे लिपट के दुआ करे, मतलब उम्रा की सादत अगर किसी को मिलती है तो हर कदम पे ही आपकी दुआओं की कबूलियत की, मेरा तो ख्याल है कि वो उस वक्त तो बिल्कुल ही ऐसे, वो अल्लाह ताला आपकी बात सुनता है कि बस क्या ही उसकी शान के कहने, और उस घर में आप जाते हैं तो आपको दुनिया भी भूल जाती है, उसका मकसद भी यही होता है कि हर चीज़ हमारे ना इस्लाम में लॉजिक के साथ है, आप भूल जाते हैं, आपको पीछे की टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई तनख्वाह, कोई नौकरी, किसी चीज़ का झंझट याद नहीं रहता। उसकी वजह ये है मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब उस घर में दाखिल होते हैं तो वो आप पे कोई ख़ास रहमत बरस पड़ती है वहाँ पे, और वो आपको इस चीज़ की तरफ ले जाती है कि अब तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान जो है वो बिल्कुल ही बराह रास्त, मतलब किसी किस्म की टेंशन के बगैर
तुम्हारा सारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए और तुम उससे दुआ करो। तो अब जो गिलाफ काबा की सारी बात मैंने हम कर रहे थे वो ये कि अतीका ओडो साहिबा गिलाफ काबा सी रही हैं जी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाली है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी कभी मुझे उम्मीद ना थी कि अल्लाह ताला के मतलब इस तरह का ये इतना मुबारक और बरकत वाला लम्हा जो है वो मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे ये सआदत मिलेगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उन्होंने लिखा है। और बड़ा खूबसूरत ये वीडियो है कि ये सी रही हैं और वो फिर उसको ज़ाहिर पूरा मुझे इसका पता नहीं है कि ये किस तरह होता है, कहाँ होता है, ये क्या है। वहाँ पर एक खास जो मुख्तलिफ म्यूजियम्स हैं हर चीज के हवाले से, अच्छा तो उधर कोई इस किस्म का म्यूजियम है जहाँ पर ये इसके कोई चार्जेस होते हैं या वैसे ही होता है ये मुझे नहीं पता, है ना, चेक करना पड़ेगा ये नहीं पता। ये मगर देखें अच्छा रह गई ये अतीका ओडो साहिबा से पहले एक वीडियो फैसल जावेद की भी कहीं आई थी सोशल मीडिया पे, वो भी गिलाफ काबा सी रहे थे। तो अब आजकल ये चीज ज्यादा हो रही है, तो पहले या तो इसकी इजाजत नहीं होती थी, आप सिर्फ जाके देख सकते थे, अब शायद सीने की इजाजत है, आप उन लोगों से सीख भी सकते हैं, थोड़ा सा उनसे सबक लेकर सी भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये चीज पब्लिक के लिए खोली गई है। बिल्कुल, बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त वीडियो है जी, बेहतरीन, मजा आया। अब बताएं अगली स्टोरी क्या है, किस तरफ जाएंगे हम, क्या बताएंगे दुनिया को। अगली स्टोरी मेरा ख्याल है यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। हाँ, वो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं, एक अलग मामला है जी। बहुत सारी हरकतें जो है ना वो हुकूमतें रखती है खुफिया, ताकि वो जो कहते हैं ना डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनन इन आउटसाइड योर हाउस या क्या इन पब्लिक, ताकि लोगों को पता ना चल सके। अब अमरीका की हुकूमत है उसकी बहुत सारी खुफिया दस्तावेजात दुनिया के सामने आई है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो है ये लीक हुई है, और उसकी वजह से अमरीकी हुकूमत को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। और दस्तावेजात में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद, उससे लेकर फिर चीन और चीन के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं, और मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, उन तमाम के मामलात मौजूद थे कि जिनके ऊपर अमेरिका ने नजर रखी हुई थी। दुनिया पे नजर रख रहा होता है ना, अपनी हरकतें कर रहा होता है, एलाइज के भी बाप बना हुआ जी जी जी। तो वो अब ये ऑनलाइन अफशा हो गए ये राज सारे, और अब अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तसल्ली देने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का मवाद महफूज हाथों में है, और इन दस्तावेजात में यूक्रेन जंग से मुतालिक खुफिया मालूमात हैं, और जो है वो इसके अलावा और बहुत सारी मामलात हैं। लेकिन बेसिकली जो अब जो एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी भी जासूसी कर रहा है। चलो अच्छा है, पता चला उनको भी थोड़ा। हाँ। अभी तक तो उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो अमेरिका के जो वजीर दिफा है ख्वाजा सॉरी अमेरिका में जो ख्वाजा आसिफ होंगे, ये मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब मुझे उधर के ख्वाजा आसिफ से कोई सरोकार नहीं है, मुझे उधर के राणा सराउल्लाह साहब से सरोकार है, वो कौन है उधर के वहाँ के वजीर दिफा जी लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि हम ये हरकत करने वालों के मुतालिक जानने के लिए एक एक कोना छान मारेंगे। भाई बाज नहीं आना इन्होंने, बाज नहीं वैसे, लेकिन ये है कि चाहे जो भी छाने इनकी तरीकेकार जो है वो उनका बिल्कुल ये लीक हो गए और शर्मिंदा हो गए ये। अब देखते हैं आगे इनके साथ इनके एलाइज करते क्या हैं। आपको अगर थोड़ा सा बरतानिया की तरफ लेकर चले तो बरतानिया में जाहिर सिगरेट नोशी के हवाले से बड़ी सख्त पाबंदियां और कवायद जवाबित वहां पर लागू थे। बच्चा अगर आपके साथ गाड़ी में बैठा हो और छोटा हो, तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा टाइम के लिए आप हवालात के पीछे होंगे। अगर आपको किसी ने देख लिया, कैमरे ने कैप्चर कर लिया, चलान भी लगेगा और जेल तो अलग ही है। अच्छा, बरतानिया हुकूमत ने अब सिगरेट नोशी की बुरी आदत में मुब्तला जो हामला खवातीन हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए बड़ी जबरदस्त स्कीम मुतारिफ कराई है, और वो स्कीम ये है कि सिगरेट नोशी की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए वेपिंग पॉलिसी के जरिए लोगों की सिगरेट नोशी तर्क करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। और पॉलिसी के तहत जो हामला खवातीन है वो सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करेंगी और इन्हें हुकूमत की जानिब से 400 पाउंड्स दिए जाएंगे। अच्छा, और देखिए इंसेंटिव अगर मॉनेटरी टर्म्स में हो तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन है, लोग फिर और ज्यादा राजी हो जाते हैं। 400 पाउंड इज अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल 1000 पाउंड तकरीबन 3.5 लाख रुपए हमारे हैं यहाँ पर, मतलब वहाँ पर 400 पाउंड में अच्छा खासा ग्रोसरी आ जाएगी, ग्रोसरी आपका रेंट पे हो जाएगा, आपकी ट्रैव वो जो ट्रांसपोर्ट के हैं अखराजात वो, मतलब आप आराम से 500 पाउंड में, अगर आपका घर चलो अपना है तो आप 500 पाउंड में महीना आराम से गुजार सकते। रेंट वगैरह वहाँ कितने होते हैं, मिसाल के तौर पर एक अपार्टमेंट है 500 पाउंड का होगा रेंट, बिल्कुल सेंटर के शहर में होगा तो वो जरा महंगा होगा, थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएंगे तो मतलब अच्छी खासी रकम है, आपका अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खवातीन जो सिगरेट नोशी तर्क करेंगी उनके लिए हुकूमत जल्द ही एक खास पैकेज का ऐलान भी करने का इरादा रखती है। तो एक सिर्फ ये 400 पाउंड तक बात मुकी नहीं है, ये गल इधर से आगे चली गई है, तो वो अब देखते हैं कि वो क्या पैकेज होता है उनके लिए। अच्छा, अब ये पॉलिसीज की बात जब हम कर रहे हैं तो कोविड में हमने देखा था
क्या पॉलिसीज़ आई थी और उनकी वजह से पाकिस्तान तो है बहुत ज़्यादा महफूज रहा था, भारत में बड़े बड़े बुरे हालात थे, और अब अगर हम बात करें लाखों जो लोग हैं वो जान से हाथ धो बैठे थे, कारोबार तबाह हुए थे, महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों की जॉब्स चली गई थी, अब निजात तो मिल गई थी इस वबा से, लेकिन अब भारत से फिर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 7,830 नए केसेस रिपोर्ट, जी 7,830 मतलब तकरीबन 8,000 केसेस, बिल्कुल, और 16 अफराद हलाक भी हुए हैं। सिर्फ अगर महाराष्ट्र की रियासत की बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना से 9 अफराद हलाक हुए हैं, और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की एक नई शक्ल सामने आई है, उसकी वजह से इन्फेक्शन के जो वाकयात हैं उसमें इजाफा हो रहा है, और उसका नाम जो है वो है आर्किटोरस। अच्छा, आर्किटोरस, ये जो भी मेडिकल से नाम होते हैं मुश्किल नाम होते हैं भाई, अगर ये नाम मैं गलत कह दूं तो माजरा, मैं इसलिए बायोलॉजी मैं मेडिकल में नहीं गया, मैंने कहा भाई तो नाम ही अजीब मुश्किल, नाम इतने मुश्किल है तो आगे क्या जिंदगी, तो ये देखें अब ये दोबारा से चल रहा है और हमें इसके ऊपर जो है जरा तवज्जो देने की जरूरत है। हाँ, तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग बड़ी तवज्जो दे रहे हैं जूतों को। क्यों, क्या हुआ जूतों के साथ? ये हुआ कि कहते हैं कि जूते इंसान की नफासत का जो है नफासत का इजहार होता है, और जो शख्स अच्छा साफ सुथरा जूता पहना हो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी निखर के सामने, इस किस्म की चीजें होती है। तो जो और जब ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये जूते हैं, जूते पाँव में जब हम पाँव में हो तो फिर बड़ा बंदे को लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं नोटिस भी पहले आपको करना चाहिए, सबसे पहले पाँव नोटिस करें आप, आगे पाँव या जूते जो साफ सुथरे आपने रखे हो। अच्छा, हाथ में जूते हो तो नफासत की जगह जरा कराहियत सी होती है कि भाई इसने क्यों गंदे जूते, डर लगता है, खैर डर लगता है कि हमारी तरफ आने ना लगे। अच्छा खैर, ये तो खैर वैसे ही हम गपशप लगा रहे थे, लेकिन खबर ये आई है कि दुनिया का सबसे महंगा जो जोड़ा है जूतों का वो 63 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। 63 करोड़ रुपए में? जी। अच्छा। और ये जोड़ा जो है ये बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन, उन्होंने वो पहना करते थे, और इस जोड़े की नीलामी की गई है, तो ये 2.2 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपए में 63 करोड़ रुपए बनते हैं। और माइकल जॉर्डन के 25-30 जोड़े अगर इधर हम ले आए और दुनिया में इसकी आलमी मंडी में नीलामी करें तो हमारा आधा कर्जा उतर जाए। साइन वाइन भी किए हुए हैं जूते के, साइन वाइन भी किए हैं, मतलब ये तो अच्छा। इससे कबल इनकी एक जर्सी थी वो भी 10.1 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई थी, तो इसलिए माइकल जॉर्डन, ये सारे बड़े प्लेयर्स का सामान हम थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना शुरू करें, यहाँ ले आए और फिर आलमी दुनिया को बेचे, तो खान साहब का भी उसमें सामान होगा, वो कोई कम बड़े खिलाड़ी, हाँ खान साहब का भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद अली की वो जो है मोहम्मद अली की बॉक्सिंग ग्लव्स और ये सब की सारी अगर चीज हो तो कोई हमें थोड़ा सा हम पे रहम करे और सारे अपने अपने जो है एक एक चीज कम से कम एक एक खिलाड़ी दुनिया का भेज दे तो हमारा बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह उनका एक जोड़ा तकरीबन 15 लाख डॉलर में भी फरोख्त हुआ था। सारे जोड़ों की खबरें रखी हुई आपने, जोड़ों की। बहरहाल हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं कपड़ों की, और अवैस आप इसका कीबोर्ड से हाथ हटा दें, इस पे बैक्टीरिया लगा हुआ होगा। क्या बात, हटा दें। हाँ, अब टेबल पे ना रखें, हाँ टेबल पे भी बैक्टीरिया होगा लगा हुआ। क्या कर रही हूँ, कहाँ रखूँ हाथ अपना? कपड़ों पे रखें, कपड़ों पे। लेकिन मेरा ख्याल है कपड़ों पे भी बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया तो फिर बैक्टीरिया ही होगा हर जगह, फिर मैं क्या करूँ? हर तरफ हमारी जिंदगी में हल तो एक बड़ी एक जबरदस्त खातून ने निकाला है, फैशन डिजाइनर ने, इसने इसका हल निकाला है। बैक्टीरिया से बचाने का हल डॉक्टर निकालते हैं, फैशन डिजाइनर नहीं निकालते। शिफा थोड़ा सा रमजान आप पर मेरे ख्याल में रोजा ज्यादा लग रहा है रमजान मेरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे हर तरफ बैक्टीरिया, जर्म्स और इस किस्म की जो छोटी मोटी चीजें हैं, पार्टिकल, ये हमारी बॉडी में अगर एंटर होती हैं तो हम बीमार होते हैं। अब इन बैक्टीरिया से जान छुड़ाने का या इन बैक्टीरिया से हिफाजत का तरीका बहुत सारे हैं, मतलब हाथ धोते रहें, साफ सुथरा, सफाई का ख्याल रखें अपना। लेकिन जो मैं बात कर रही हूं कि फैशन डिजाइनर ने इसका कोई हल निकाला है, वो हल ये है कि इन्होंने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो कि ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया को अपने से दूर धकेलता है, रिपेल करता है बैक्टीरिया को। क्या बात कर रही है आप, ये हम जानते हैं। हमारे साथ अदीना जमशेद साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने एक बड़ा स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक जो है वो बनाया है। अस्सलाम वालेकुम अदीना। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अदीना, आपने वक्त निकाला। ये जो मेरी और अभी अवैस की गुफ्तगू हो रही थी, इसका कौन से एस्पेक्ट से आप अग्री करेंगी और कौन से एस्पेक्ट से आप डिसएग्री करेंगी, और क्या जो मैंने बताया है मोर और लेस वो ठीक है कि आपने एक ऐसा फैब्रिक डिजाइन किया है, तैयार किया है, जो बैक्टीरिया को अपने से दूर धकेलता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीना जमशेद है, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएट हूँ। तो जिस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिजाइनर बिल्कुल, जिस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हमारे
इन्वायरमेंट के अंदर विरुलेंस जो जरासीम है उसका ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने जो जो बातें बताई हैं वो सारी ठीक हैं। आई हैव क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान, जिससे ना सिर्फ आप कोविड वायरस से बल्कि कोविड वायरस से 80-90 टाइम्स छोटे वायरस से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी जब मैंने फैब्रिक क्रिएट किया था वो पीडियाट्रिक यूनिट के छोटे बच्चे थे, क्योंकि बच्चों को कलर थेरेपी की बहुत ज़रूरत अच्छा। होती है और सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम बच्चों का सप्रेस होता है जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन होती है। तो मेरा मोटो था कि मैं बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करके हॉस्पिटल में लगने वाली मज़ीद बीमारियों से बचाऊँ जब वो हॉस्पिटल आएँ, और साथ में उनको कलर थेरेपी दूँ ताकि उनकी एक साइकोग्राफिक्स को मैं केडर कर सकूँ और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। जब मैंने इसके बायोग्राफ, ये कपड़ा जो है ये कैसे तैयार हुआ है और इसका इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है? वेल, ये कपड़ा पूरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट से, जो इसके रॉ मटेरियल हैं वो कम्प्लीटली फ्रॉम इनसोर्सिंग है फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि एक बड़े प्राइड की बात है मेरे लिए। बाकी जो निट किट है कि ये कपड़ा कैसे तैयार हुआ है, आई एम गोइंग टू बी बिट यू नो क्वाइट एट दिस मोमेंट, क्योंकि इस टाइम पे मेरा पेटेंट रजिस्टर होना इन प्रोसेस है। तो मैं एक एक निट किट आपको आई एम सॉरी नहीं बता सकती कि ये मैंने कपड़ा कैसे तैयार किया, बट सूनर और लेटर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली इस कपड़े के अंदर ना प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये विद इन 0.8 नैनो सेकेंड्स वायरस को या कोई भी बैक्टीरिया जो इससे इन कॉन्टेक्ट आता है रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उसको ख़त्म कर देता है। और जिस तरीके से मैं स्टार्ट में सुन रही थी, आपने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास ट्रीट कर सकते हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को, तो ब्रॉडर होराइजन पे देखा जाए तो अब तक हमारे पास जो भी वैक्सीन बनी है इट्स नॉट क्रिएटेड बाय अ डॉक्टर, इट्स क्रिएटेड बाय अ पैथोलॉजिस्ट, सो अ बायोकेमिकल इंजीनियर और समबडी डिफरेंट। पैथोलॉजिस्ट भी तो एक तरह का डॉक्टर ही होता है ना। हां, पैथोलॉजी आप डॉक्टर ही पढ़ के आएगा, पैथोलॉजिस्ट तो मतलब वो अगर आप अदर देन दिस देखें बायोकेमिकल इंजीनियर भी ये काम कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स की फील्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इवन अगर हम हॉस्पिटल्स के अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी किसी को कोई भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या उसके जो वोंड है उसको हील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या करते हैं, साफ़ करके ड्रेसिंग। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास वो हमारा अपैरल है, हमारा ड्रेस। तो अब वो दौर आ चुका है कि लोग ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं और उनको भी अपनी एहतियात का, अपनी हिफाजत के बारे में वो ज़्यादा मोहतात हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं तो वो भी जो कपड़ा आपने बनाया है इसकी यूजेबिलिटी आम इंसान के लिए, इसकी यूजेबिलिटी क्या क्या है और किस किस तरह से हो सकती है? वेल, दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि आम इंसान कैसे इसको यूज़ कर सकता है। ये कपड़ा ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकता है बल्कि डे टू डे बेसिस पे आम इंसान इसको अपने डेली वेयर में यूज़ कर सकता है, जिस तरीके से हम अपने घर की फ्लोरिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कारपेट्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके जो सीट कवर्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। एवरी वेयर जहाँ पर टेक्सटाइल फाइबर या मटीरियल यूज़ हो रहा है और जहाँ से हमें इन्फेक्शन का डर है, ये फैब्रिक वहाँ पे आराम से यूज़ हो सकता है। सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो कपड़ा अब आपने कहा कि हर तरह हर जगह पर लग सकता है, जी, तो इस कपड़े की कॉस्ट और जो आम कपड़ा हम पहनते हैं उसकी कॉस्ट, उन दोनों में कितना फर्क है? अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इस कपड़े का एक कुर्ता बनवाना चाहूँ। वेल, ये कपड़ा क्योंकि इन सोर्सिंग हमारी सारी पाकिस्तानी मटेरियल से हो रही है तो ये कपड़ा काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप सोचें कि आप कुर्ता बनाना चाहें तो आपको एक अच्छा कुर्ता जो कि आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है और साथ में आपको अपनी मर्जी के कलर्स और पैटर्न्स भी मिल सकता है, विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 3000 अस्टिच्ड कुर्ता। अच्छा, ये लॉने भी हो सकती है इस कपड़े की, लॉने। सॉरी, फिर तो सीजन आएंगे इसके, लॉन का सीजन आ गया। आई हैव अ बुक विद मी, ये आई हैव अ पैटर्न बुक विद मी, अगर आप चाहते तो इसका टेक्सचर भी फील कर सकते थे। ये कपड़ा ऑल सीजन पहना जा सकता है, सर्दियों में और गर्मियों में, बट वील प्ले जस्ट बिट विद जीएसएम काउंट। जब गर्मियों का होगा तो वो लाइटर टोन पे होगा, लाइटर नोट पे होगा, थोड़ा ज्यादा आपको एरी मिलेगा। जब सर्दियों का होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आप अगर इस टाइम यहाँ होते तो फैब्रिक को टच करते, फील करते, तो यू वुड फील के ये
काफी अमेजिंग चीज है। लेकिन आपने बनाया अदीना, जबरदस्त काम आपने किया है। अच्छा मैं दो चीजें पूछना चाह रही थी, एक ये कि लाइफ इसकी कितनी, कितना ये ड्यूरेबल होगा और कितनी लाइफ, क्योंकि जब आप कहती हैं कि हम इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी सीट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कोई आके बैठता है, कभी उस पर कोई हाथ लगाता है, बच्चे के जरासीम वहां पर होते हैं, तो अब आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसका जो जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल इसकी जो भी क्वालिटीज हैं, वो कितने अरसे तक इस कपड़े में मौजूद रहेंगी? जाहिर है कपड़ा तब तक यूज हो सकता है जब तक किसी या उसका कलर ना फेड हो, लेकिन वो जो क्वालिटी है इसकी वो कब तक होगी इसमें? That's a very smart question. जो efficacy of a cloth है या किसी भी चीज़ की efficacy, आप जब किसी चीज़ के गर्भ में जाते हो तो ही पता लगता है। तो अगर आपको जरासीम के अगेंस्ट इस फैब्रिक की efficacy देखनी थी तो hospitals were the best option. और स्पेशली बच्चों का यूनिट, क्योंकि बच्चों के कपड़े बार बार हम धोते हैं। आज से पहले हमारे पास हॉस्पिटल में जब हम बेडशीट्स वॉश करते थे, कॉटन बेडशीट्स होती थी, तो हम उस बेडशीट को 3 times वॉश करते थे, सिंगल बेडशीट को, तो ताकि उसके ऊपर से जर्म्स वेयर ऑफ हो सकें। लेकिन जब मैंने 20 days ये हॉस्पिटल में दिए और हमारी डेली बेसिस पे 1 time वॉशिंग हुई और उसके बाद इसके बायोग्राम्स आए, तो हमें पता लगा कि अराउंड 7 months ये आपको 99% एफिकेसी देता है अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, क्लेमेडोमोनास, सुडोमोनास एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। बच्चों को अक्सर पेट के कीड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो 7 months, जबकि आज से पहले 3 months पहले तक हम अपनी बेडशीट्स हर बार 1 month बाद चेंज कर दिया करते थे हॉस्पिटल्स में, या मैक्सिमम 1.5 months बाद। तो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको 7 months तक अच्छा टाइम है इसका। और फाइनली सॉरी और फाइनली ये है कि जो टेस्टिंग है इसकी, टेस्टिंग आपने किस तरह से की है? हॉस्पिटल्स में ही की है या मुख्य जगहों पे? नहीं, बच्चों को पहनाने के सबसे 99% ही थे। सबसे पहले तो मैंने इसकी केमिकल एफिकेसी चेक कराने के लिए इसके बायोग्राम्स कराए थे कि जिस तरीके से मैंने फैब्रिक बनाया है कल्चर ग्रो करके लैब्स के अंदर, क्या ये वैसा काम कर रहा है कि नहीं। जब इसकी एफिकेसी मुझे पता लग गया कि 100/100 है, कि मेरा कपड़ा रेडी टू सप्लाई है, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया, बच्चों को ये कपड़े पहनाए, उसके बाद डेली ये कपड़ा, मतलब मैंने बच्चों के लिए स्क्रब्स बनाए थे जिनको आम जुबानों में हॉस्पिटल के कपड़े कहेंगे। आज से पहले पीडियाट्रिक यूनिट में पाकिस्तान में बच्चों के लिए हॉस्पिटल के गाउन्स नहीं तैयार किए गए थे जो उनकी कलर साइकोलॉजी कर सके पोस्ट ऑप पेशेंट के लिए। और उसके बाद मैंने बेडशीट्स भी साथ साथ तैयार की। 20 days हमने ये प्रोसेस किया, डेली बेडशीट बिछती थी, बच्चा होता था, कोई पेशेंट उसको पहनता था बच्चा, और डेली ही वॉश होती थी। उसके बाद मैंने वो कुछ पीसेस कलेक्ट किए और वापस से बायोग्राम्स के लिए भेजे ताकि पता लगे कि इन्होंने कितनी एफिकेसी शो की है अगेंस्ट द विरुलेंस, जिसके अगेंस्ट मैं काम करना चाहती हूँ। तो पता लगा कि दे वर इफेक्टिव अबाउट 99.9% अगेंस्ट क्लेमेडोमोनास, सुडोमोनास, स्ट्रेप फैमिली एंड कोविड वायरस एज वेल। सही है। तो अब आपका प्लान है क्या इसके बारे में? कमर्शियल प्रोडक्शन कब, मतलब मैं इसका कुर्ता कब पहन सकूंगा? आपने कहा था मैं पेटेंट करा रही हूं, तो ये बताएं कि अवैध का कुर्ता कब बनेगा बैक्टीरिया फ्री? कोई बड़ा स्टैंड इस वक्त कास्ट करना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट आई प्रोमिस के आने वाले फ्यू मंथ्स, आई नीड 2 to 3 months के मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल कर सकूँ, क्योंकि मेरा पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, एंड आफ्टर 2 to 3 months आप लोगों को ये मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ दीना जमशेद मौजूद थी जो कि बड़ा जबरदस्त, उन्होंने कमाल काम किया भाई। कमाल काम अब देखना शिफा, मैं ये कपड़े पहनूंगा और बैक्टीरिया से दूर रहूंगा, बिल्कुल दूर, आपसे दूर बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, ये तो जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो गया, अब जरा जहनी बीमारियों की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि जहनी बीमारियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि सबसे ज्यादा तंग करती है लोगों को, वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। इससे बचना कैसे है? उसमें कुछ हार्मोन्स हैं हमारी जो बॉडी में, और वो रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो हम कैसे उनकी मदद से, ये सारी चीजें ये हमें समझाएंगे जी। कॉर्पोरेट ट्रेनर है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी है, और नफ्सियात की गुत्थियों को सुलझाने में महारत रखती हैं जी। हमारे साथ हैं जी आयशा बेला मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन योर शो आयशा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी। वॉइसेस बड़ी अच्छी आपकी, वाइब्रेंट आवाजें हैं जी। थैंक यू फॉर हैविंग। बस देखें हमारे, हम हैं देखने में भी उतने ही वाइब्रेंट है, अगर आप हमारे सामने होती तो आप वो भी बड़ा एंजॉय करती। लेकिन ऑन अ लाइट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आयशा। आपके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि आज हम सीखें।
जी, हमारा एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और जब आप लाफ्टर या आप कहका लगा रही हैं, यू आर ऑटोमेटिकली मेकिंग दैट एंड यू आर हेल्पिंग अस, यू नो, लिसनिंग टू अ लाफ्टर. एक्चुअली ये ऑक्सीटोसिन ना सिर्फ आपके अंदर बनाते हैं हैप्पी हार्मोन, बल्कि ये जो सुन रहे होते हैं उनके अंदर भी बनाता है. जब मैं स्ट्रेस सेशंस कॉर्पोरेट में कराती हूँ तो मैं एक लाफ्टर थेरेपी कराती हूँ. अगर एक मूवी हुआ करती थी इंडियन, आई डोंट नो आई कैन टेक दैट नेम इन दिस चैनल और नॉट, मगर ये बहुत सालों से, अब से नहीं, 1978 की आखिरी दहाई से इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम शुरू हुआ, और 1980 में 90 में इस पे किताबें लिखी गईं, और फिर आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम दी ओनली फीमेल. मैं अभी मिली नहीं हूँ किसी और रिग्रेशन थेरेपिस्ट एज वेल. आई टेक पीपल टू देयर पास्ट ट्रामाज एंड ट्रेजिडीज एंड देन हील देम देयर, ट्रांसफॉर्मेट करती हूँ. वो एक और तरह का आर्ट है. और ये कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेस है, आमतौर पे पाकिस्तान में होते हैं, मेरी जिंदगी में अगर कोई एंजाइटी या स्ट्रेस या कोई परेशानी है, तो अब कैसे उसको हैप्पी हार्मोन्स की मदद से या जो भी आप हार्मोन्स के तरीके बताएं उससे उसका इलाज किया जा सकता है? जी देखिए, अभी इस आपके सवाल में ना बहुत सारी गुत्थियां हैं. अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस हो गया, यू नो, मनी स्ट्रेस है जो कि एक रियल स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस जिससे इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, या फिर अगर रिलेशनशिप स्ट्रेस है, या लेट्स से यू नो वैसे ही बॉडी में बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ये नेचुरली बहुत अच्छा काम करते हैं. चार होते हैं बड़े बेसिक, डोपामिन, आपने हर जगह एंडोर्फिन्स है, ऑक्सीटोसिन है एंड सेरोटोनिन है. ये चार हैप्पी हार्मोन्स हैं. इनके पांच छह तरीके मैं आपको अभी बता दूंगी, और ये अगर एक आम इंसान मेरे आपकी तरह करता रहे तो वो ये इससे ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं. एंडोर्फिन्स है जो नेचुरल पेन किलर है, आप एक्सरसाइज करें, इंस्टेंटली आपकी जो पेन है वो रिलीव होने शुरू हो जाती है. बट सर, जब वी टॉक अबाउट कीमोथेरेपी और वी टॉक अबाउट के किसी को अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो गया है, या गर्दन तोड़ बुखार है और बहुत तकलीफ में और गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो गया है अल्लाह ना करे फॉर एवर, या किसी का बैक डिस्क स्लिप डिस्क है, तो उसके लिए फिर हिप्नोथेरेपी इज वो अक्सीर की हैसियत रखती है. पाकिस्तान में तो नहीं, मगर जब मैं यूके जहाँ से ये थेरेपी मैंने की, या कनाडा, अमेरिका, वहाँ हिप्नोथेरेपिस्ट हर हस्पताल की नेसेसिटी होता है. जैसे यहाँ आप एक जीपी जनरल प्रैक्टिशनर को रखते हैं, बिकॉज वो आपको हिप्नोटाइज करके उस दर्द से, या फिर जो कोई आते हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स है, उससे बाहर ले आता है. स्ट्रेस अगर लेट्स से ऑन द लेवल ऑफ 0 to 10 पे, 4-5 पे, तो आप एंडोर्फिन्स बनाएं, आप यू नो एक्सरसाइज करें, आप यू नो यू स्टार्ट रनिंग, यू लाफ्टर थेरेपी उसमें बहुत हेल्प करती है, नेचुरल पेन रिलीव. डोपामिन है, दैट्स एक्सेलेंट. यू नो क्रिएटिव वर्क में एकदम से बनता है आपकी बॉडी में. आप नया खाना पकाएं, कोई एक नई पेंटिंग बनाए. मेरे घर में सब मेरे हाथ की बनी हुई. आई लव, ऑल्दो आई डोंट डू इट एज कमर्शियल, नहीं करती. ये सारे काम इंसान करेगा कैसे? मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करूं, रिवॉर्ड, मतलब आयशा देखें, जी जी. मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूं, मेरी जिंदगी का जो सुबह का आगाज होता है वो जी हाँ, मतलब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी सुबह 9 बजे उठता है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचता है, और उसके बाद जो है वो शाम 6-7 बजे घर पर आता है, थकावा भी होता है, थकावा होता है, बिल्कुल मरा हुआ होता है, बॉस की झड़कियाँ खा कर वो आता है, बेगम की फिर कवालियाँ सुनता है, फिर वो फिर उसके बाद करना शुरू. जी जी, बनाए चले. अभी डोपामिन अभी बना लेते हैं. तीन लोग हम यहाँ पे, मैं आप दोनों को नहीं देख सकती, आप मुझे देख सकते हैं. सो लेट्स गिव, ये होता है रिवॉर्ड. रिवॉर्ड देने से, दूसरे की तारीफ करने से ये एकदम से बढ़ता है बॉडी में. मेरे सामने आपके कैमरामैन है, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा इन्होंने इस वक्त कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ब्लू का है, इट्स कूल, इट इज़ गिविंग. आज जो कराची में मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे गर्मी है, एंड इट इज़ गिविंग अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद माई रूम कलर. बहुत ही ज़बरदस्त उनका लिबास है, उनको दिया. एंड यू कैन आस्क हिम,
कि उनका डोपामिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनना शुरू हो गया। अब मैं आपको देती हूँ एक सर कि आपकी आवाज़ में अल्लाह ने एक नेचुरली बेस रखा हुआ है जिसके लिए लोग यू नो बहुत प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते हैं, और आपकी आवाज़ में एक इट्स अ हैप्पी वॉइस, खुशी की आवाज़ है। अब जो हमारे साथ मैडम हैं जो आपकी एंकर हैं, और मैं आई एम सो सॉरी पहली दफ़ा मेरा ये शो आपके साथ है, तो मैं उनको तारीफ ये करती हूँ कि उनकी एक आवाज़ में खनकार है विच इज़ अलाइव, एक जिंदगी है उनकी आवाज़ में। वो बात करती हैं तो एकदम से लोग खुश हो जाते होंगे जो आपके सेट के ऊपर है। एंड आई हैव नॉट येट सीन यू, आई एम जस्ट मेकिंग डोपामिन इन योर बॉडी एंड दैट इज़ हाउ वी कैन डू टू ईच अदर, कि जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। इतने कंट्रोल्ड शो में मैं पहले नहीं आई। पाकिस्तान में बहुत सारे सुबह के मॉर्निंग शोज होते हैं, उसमें बात ही नहीं करने दी जाती, जो अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं खुद ही करते रहते हैं। तो यहाँ आई एम स्पीकिंग द मोस्ट, आई एम फीलिंग रियली रियली गुड। तो दिस इज़ उन्होंने तो अपनी इल्मियत झाड़नी होती है ना। अच्छा मुझे बताइए कि अब आपने जो है वो हमारी तारीफ की, दो चार जुमले कहे, वो डोपामिन हमारे रिलीज हो गई। अब इस डोपामिन की रिलीज को मैं कैसे ये जज करूँगा कि ये सही तारीफ किया आपने या गलत तारीफ किया, या मेरा दिमाग जो है वो कहेगा बस ठीक है मेरी तारीफ हो गई, अब खुश हो जाओ और सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे? अरे जो इंसान है वो इतना लॉजिकल नहीं होता, आम इंसान इतना लॉजिकल नहीं होता। आप नेक्स्ट पे चलें, इसमें आपका पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर हम बहस में जाएंगे। आप जल्दी जल्दी, इट इज़ अ वेरी इजी वे टू गिव रिवॉर्ड्स टू ईच अदर। कहते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो कभी किसी से लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और फिर इसी तरह मैं कहती हूँ हमेशा जो बदमिजाज लोग हैं वो बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, बिकॉज दे हैव टू गो फॉर कोलैबोरेशंस नॉट कॉन्फ्रंटेशंस। तो जो तारीफ करना है वो एक दूसरे के दोस्त बनाता है, या आपके दीन का भी, आपकी अच्छी बात कहना, आपके इतनी ये तारीफ ना कहे, ये नहीं मैं कह सकती कि जो शिफा है वो इस वक्त ऐश्वर्या बहुत प्यारी लग रही हैं, बट मैं आपको मिस वर्ल्ड नहीं बना सकती, फिर आपको पता चल जाएगा कि आयशा झूठ बोल रही हैं। तो वी हैव टू गिव दैट कॉम्प्लीमेंट। अरे क्या बात कर रही हैं, मैं बना रहा हूं मिस वर्ल्ड से क्या मुकाबला, मिस वर्ल्ड क्या बेचती है इनके आगे भाई। शिफा क्या ये, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को। शिफा देखिए मैंने आपको आपको देखा नहीं है, और बिल्कुल आपकी ये चाहते हैं मैं ख्वाब ख्यालियों में ही रहूं ताकि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, आगे सब नहीं है बिल्कुल सही। तो देखिए ना जो नहीं 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 शिफा मैंने आपको देखा नहीं, ये तो आप अभिषेक से पूछेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, और आपका मिस वर्ल्ड के सामने दूसरा। अब आप पेन किलर, लेकिन बॉडी का नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन, ये क्रिएटिव, ये खाना पकाने से और अच्छा खाना खाने से, मैं कहती हूँ बुरा खाना पकाया तो जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। इट इज़ यू नो, जब मैंने ग्रीफ थेरेपी 2006 में किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी, जो हमारे दीन का भी हिस्सा है कि किसी घर में गम हो तो उसके घर खाना भेजें, बिकॉज फूड जो वांटिंग है वो फौरन मौत अल्लाह ना करे हो जाए या डिवोर्स हो तो आपके एकदम फूड वांटिंग ख़त्म हो जाती है। जो सुसाइडल केस आते हैं हमारे पास वो खाना नहीं खाना चाहते। तो जो खुराक है खाली खाना खाने से और अच्छा खाना खाने से, मैं अगर आपको कहूँ कि जी आज आपको इफ्तार में बहुत अच्छा मटन कीमा, मटन का गोश्त पालक के साथ और छोटे छोटे फुलके उस पर घी से चुपड़े हुए देसी घी से आपको आज मिलेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन बहुत हाई हो जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट ईटिंग दैट तो आप ऑटोमेटिकली बहुत खुश। एंडोर्फिन जो है ये वेरी नेचुरल पेन किलर है, थेरेपी एंडोर्फिन है, और खाना पकाने से ये पेन किलर होता है बॉडी में आपको कहीं जख्म, और जब एंडोर्फिन कम होता है तो आपको थोड़ा भी ये समझें चार ग्लास आपके सामने रखें। बाज़ोकात लोग मुझे पूछते हैं जी मेरा सेरोटोनिन तो बहुत हाई है, बट भाई तुम्हारा एंडोर्फिन बहुत कम है, तो जैसे ही हल्का सा कोई वो लगी तो बच्चे रोने लगते हैं, बिकॉज दे आर यू नो एंडोर्फिन उनका कम है। तो क्रिएटिव चीज़ों में लगाया करें, पजल उनको बनाएं, तो ये एंडोर्फिन जो है पेन किलर है, मतलब ये आपको माइंड का जो आपका कोई भी फिजिकल पेन हो से निजात देता है, पेन किल मतलब आपको अगर मिसाल के तौर पर जी ये चोट लगी हुई है उससे निजात देता है। और दूसरा ओके जी जी, या सिर्फ ये कोई मतलब जैसे फिजिकल पेन है उसको भी ये खत्म करता है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जी ऑफ कोर्स। देखिए एंडोर्फिन जैसे हम कहते हैं जी गरम दूध ले आए, बच्चे को घुटने पर चोट लगी है उसमें हल्दी डाल दें, अच्छा उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, बट ओनली ड्रिंकिंग मिल्क जिसको कुरान में शिफा कहा गया है
उसकी उसको ऑटोमेटिकली हल्का सा वार्म करके पीने से आपकी जो जिस्म के हड्डियों के दर्द हैं वो ठीक भी हो जाते हैं और खत। तो ये अलग अलग पांच छह चीज़ें हैं इसमें, मगर क्योंकि आपका सवाल ये था बिल्कुल बिगनिंग में जहां हमने ब्रेक से पहले बात शुरू की कि आयशा ऐसी चीज़ें बताएं जो बग़ैर पैसे के। देखें खाना तो हम सब खा रहे होते हैं, चाहे आप गरम रोटी को प्याज और हरी चटनी से दरख्त की छांव के नीचे ठंडे पानी के साथ जो मटके में रखा हो खा रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन्स बन रहे होते हैं। दैट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। फूड इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड गिविंग फूड ऑल्सो चैरिटी से बहुत आप ठीक है। एंड इफ यू नाउ गो टू ऑक्सीटोसिन जो मैंने कहा उसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, वो एक वाहिद है जिसको लव हार्मोन कहते हैं। मेरे ख्याल में हम जो है वो इसको आज के सेशन में आयशा आज के सेशन में हम इसको दो पर रखते हैं, एक था एंडोर्फिन और एक था डोपामिन। बिल्कुल ये दो हमने जो है वो आज डिस्कस किए और इनके रिलीज के तरीके हमने समझ लिया और क्या इफेक्ट्स होता है, क्या फायदे होते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन हम आपके साथ करेंगे जिसमें मजीद हम ताकि हमारे लिए भी जरा समझने में आसानी हो, लोगों को भी जरा आजमा इसका हो जाए कि भाई ये क्या चीज है और इनको किस तरह लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू जी। एक बात याद रखिएगा जब आप हेलो जी जब आप रिग्रेशन जो आपका सवाल था जो आप ख़ास ऐसे अल्लाह ना करे कि अगर किसी के साथ किसी ने कत्ल होते देखा है या किसी के साथ रेप हुआ है या किसी को मारने की कोशिश की गई है या जिसकी ख़ानदान में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि उसे अपने सामने एक मौत होती, वो उसको निकालने के लिए मुझे रिग्रेशन सेशन वन ऑन वन चाहिए होते हैं। वो एक बहुत बड़ा इल्म है, उस पर आपको सेपरेट और हिप्नोथेरेपी पर एक और इल्म है, NLP एक और इल्म है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो फिर अलग अलग मैं आपको चीज़ें अलग अलग इसमें मतलब इनके साथ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर्टिफिकेशन बहुत शुक्रिया आएंगे जी। आयशा बेला मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद थी और हार्मोन्स के ऊपर बात कर रही थी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं, जैसे ही रमज़ान आया तो हम चैरिटी के हवाले से बड़ा जिक्र कर रहे हैं, ज़कात सदक़ात खैरात के हवाले से बहुत बात हो रही है, लेकिन इन सारे चीज़ों में हमने अपने सैलाब जदगान जो फ्लड विक्टम्स हैं उनको नहीं भूलना, सैलाब मुतासरीन को नहीं भूलना। ये चीज़ जहन में रखनी है कि उनकी ज़िंदगियाँ ज़ीरो तक आ गई हैं और उन्होंने दोबारा उस ज़िंदगी को शुरू करना है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम जब चैरिटी करती है तो फिर वो भी दिल खोल के करती है, वो भी पीछे नहीं रहती। तो एक शख्स है जो तन तनहा लगा हुआ है और उनके लिए काम किए जा रहे हैं, अब वो काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से अकेले ये मैनेज करते हैं सारी चीज, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बच्चों की एजुकेशन पे काम हो रहा है, पीने के साफ पानी की एक बहुत बड़ी एक वहां पर प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकेले लगे हुए हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना लोग इनको ट्रस्ट करके डोनेशन दे रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड प्रोफेसर मंजूर इकबाल अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एजुकेशन में तो हम आपका अपना बैकग्राउंड जानते हैं क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं, ये भी आप पर नाज़रीन को बताना जरूरी है अपनी मुश्किल मामले के साथ। यू अंडरस्टैंड इट बिल्कुल। बट लेट मी पुट इट, जिंदगी तीन लोगों से है आपकी, फैमिली, यस, फ्रेंड्स एंड माय केस स्टूडेंट्स। आई हैव गॉट ओवर 5000 स्टूडेंट्स एक्टिवली कनेक्टेड विद मी टुडे, माशाल्लाह जबरदस्त, एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाह 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 वाह। और वो भी आपकी तरह ही काम करने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन जाहिर आपसे सीखते हैं। अब सर ये बताएं कि encouraged. बिल्कुल, लेकिन अब ये बताएं कि ये जो फ्लड विक्टिम्स के लिए आपने काम करने का सिलसिला शुरू किया, व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्चुअली और क्या डोमेन्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है? असल में व्हाट व्हेन आई स्टार्टेड दिस ट्रस्ट को बैकग्राउंड ये थी कि आई बिलोंग टू अ विलेज और विलेज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट जाया हो जाते हैं। So I started this trust in 2002 and actually 2003 से मैंने बच्चों को लेना शुरू किया 5th grade से और हम मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। 24 एक साल, 24 second year and 48 children by 2018 they are all doctors, engineers and marine engineers and I think your name of profession area कौन सा था सर? ये हमने एरिया मैंने चेक किया था एबटाबाद का, हरिपुर का एरिया टू बी प्रेसाइज, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरिया, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बट देन फिर उसमें ये हुआ कि एक बच्ची का मुझे उस वक्त फोन आया, उसने कहा व्हाई नॉट अंकल, व्हाई नॉट गर्ल्स, सो दैट हिट मी वेरी हार्ड।
So, जब मैं इससे फारग हुआ तो देन आई पिक्ड अप ऑन द गर्ल्स आल्सो. सो अभी हमने और दूसरा वी हैव एक्सपेंडेड इट ऑल ओवर पाकिस्तान. जहाँ पे भी हमें बच्चा टैलेंटेड मिल जाता है हम उसको लेते हैं. और अभी मेरे पास कोई 18-19 बच्चे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं. क्राइटेरिया हमारा सीधा सा है, टैलेंटेड बच्चा और गरीब वालदैन. सही है, जो फाइनेंशियली जिसके पास है तो हमें जब भी. और सबसे अच्छी बात है ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे कीप गिविंग मी दे कीप आइडेंटिफाइंग सच केसेस. तो फिर हम उसको देख के, तो अभी एट दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा कि जी फलां है, तो पता चला कि जी वो डेस्टिट्यूट हैं, यतीम हो गए थे बहुत शुरू में, माँ की डेथ हो गई. अच्छा, और जीपीए क्या है 3.7 3.8 3.9 में खाले आपका भी नहीं था. हाँ, नहीं सर, हमारा भी नहीं था. आपका था. सो द पॉइंट इज कि आई थिंक टैलेंट बहुत है, इसको हार्नेस करने की जरूरत. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना प्रोफेसर अशफाक क्या कहा करते थे, देते चो देना. मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है लेकिन मुझे लोग बहुत कुछ देते हैं जिसमें से आगे देता रहता हूं. सो देयर आर पीपल डोनेशंस देते हैं. सो एजुकेशन एक्चुअली हैज बीन द मेन फोकस ऑल अलोंग. सैलाब ज़दगान पर आते हैं, हम उधर से जब हुआ जी, तो जब सैलाब ज़दगान का हुआ तो आई हैड लिटिल मनी विद मी इन द ट्रस्ट. तो आई थॉट इसको कुछ कहीं ना कहीं दिया जाए. किसी ने मुझे कहा फलां ट्रस्ट को दे दो, फलां जगह दे दो. आई सेड नहीं यार, मैंने बंदा ढूंढ के जो मेरे मुझे पता चले कि वो पहुंचे. सो गुड पार्ट वॉज के एक लड़का मुझे मिल गया, मेरा अपना स्टूडेंट मजर चांडियो सिंध के अंदर. हाँ. तो उसको मैंने पूछा, उसने कहा सर बड़ी तबाही हुई है. उसने मुझे लिस्ट भेजी, डाटा कलेक्ट किया, स्प्रेड शीट्स की, और हमने वहाँ से शुरू किया कि रेशन देंगे हम, पैसे नहीं देंगे. सही है. इसी तरह फिर हम बलूचिस्तान में गए, वहाँ पे भी दिया. वहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा था तो एक आर्मी की यूनिट थी उसके थ्रू हमने दिया. सही. चित्राल में हमने दिया, ठीक है, राजनपुर में दिया. सो वी ट्राई टू टच ऑल द फोर प्रोविंसेस. ठीक है, अब ये राशन की हो गई. राशन अब अगला स्टेप. पहले जब राशन हो गया तो आई सेड यार राशन से तो भाई एक वक्त का काम है, खत्म हो गया, व्हाट नेक्स्ट. अब मेरे पास पैसे नहीं थे तो आई कुड मस्टर ओनली कोई 2-2.5 लाख रुपया. सो मेरे एक बैचमेट आर्मी के इंजीनियर्स हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम, तो उसने मुझे 2-room unit बना के दिया कि 2 rooms होंगे और उसके साथ वॉशरूम होगा और एक छोटा सा किचन होगा और 4 दीवारी होगी. और सही. तो अब 2.5 लाख में बनता क्या है. हाँ. तो ये शायद चांदी जो मेरा स्टूडेंट था, ये दे सेजा गांव का नाम है सादकाबाद से आगे. सही. तो उसने अच्छा, आई वॉज अब्रॉड, गुड पार्ट इज टेक्नोलॉजी वॉज वर्किंग फ्रॉम अब्रॉड. तो इस बच्चे ने क्या किया कि इसने कहा सर मैं करता हूँ. इसने ढूंढ डांट के कोई आइटम का रेट जो बट एवर ही डेड सारी जो बैकग्राउंड वर्किंग थी वो वी कंप्लीटेड दैट हाउस इन अंडर 250,000. भाई वाह. बट देन व्हेन वी लुक्ड एट द हाउस वी रियलाइज इसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जो ठीक होने वाली हैं. बट दिस वॉज द मनी. जब ये बना रहा था तो चंद एक दोस्तों को पता चला, सो दे स्टार्टेड कि यार 5,000 मैं देता हूँ, 10 तो हमारे, मेरे पास एक घर का और पैसे आ गए. तो वी स्टार्टेड द सेकंड हाउस. अच्छा, फर्स्ट हाउस का जब हमने किया तो आई थिंक अब इट्स यू वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि 50 houses जो ज़्यादा डैमेज थे उसी एक गांव में. सो 50 houses तो उसके 9 widows थी. नाउ इट वॉज हार्ड टू पिक आउट कि उनमें से किस को पकड़ा जाए. तो आई आस्क्ड हिम, तो उसने कहा कि सर क्या कोई और क्राइटेरिया. मैंने कहा नहीं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है. उसने मुझे एक माइनॉरिटी के फैमिली का बताया जिसकी बच्ची फौत हो गई थी छत के नीचे दब होकर. सो दैट वाज एन एडेड. तो अभी जब हम गए वहाँ पे तो जो दुआ करने वाली थी वो नॉन मुस्लिम वाली, और जितनी उन्होंने दुआ की हमें तो हमने वहाँ से शुरू किया. तो सेकंड हाउस बनना शुरू हो गया. देन देयर वाज अ कोर्समेट अगेन ऑफ माइन, उसकी बेटी यूके में है. उन्होंने तो शी कॉल्ड मी, उसने कहा अंकल इधर से एक एनजीओ है बी केयर के नाम से. अच्छा, बिल्कुल. सो दे वॉन्ट टू do something in Pakistan and they are looking for a partner. मैंने कहा यार देखो, मैं तो वन मैन शो है मेरा, और ये मेरा ट्रस्ट का अकाउंट है. पैसे अकाउंट में आएंगे और अकाउंट से आगे जाएंगे. जिधर जाएंगे हम आपको डाटा शीट के हिसाब से दे सकेंगे. खर्चा हमारा कोई नहीं है, और वो जो लड़का काम कर रहा है ऑन ग्राउंड उसका भी कोई खर्चा नहीं है. वो ना मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे लेता है, ना टेलीफोन के भी पैसे के तहत वो काम. वो आई थिंक इज मैन ऑफ हिज ओन काइंड. तो उसने जब ये वाला हुआ तो उसने मुझे देखा तो अच्छा, वन कंडीशन आई पुट, आई सेड नो फॉरेन रिमिटेंस विल कम टू दिस. फॉरेन फंडिंग नहीं होगी. फॉरेन फंडिंग नहीं होगी बिकॉज वो सीबीआर के आजकल बहुत जी होता जी है. तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू दैट. तो आई सेड आप किसी को पैसे यहाँ भेजें. तो खैर वी आइडेंटिफाइड अ मेथोडोलॉजी, और उन्होंने सो वेरी काइंड ऑफ देम, उन्होंने ट्रस्ट किया.
और हमने पहले में 10 घर बनाने शुरू किए उनकी फंडिंग से, फिर 10 घर और थे तो 20 की फंडिंग उधर से आ गई माशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं ना वो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस दौरान ये हुआ कि एक साहब उनके साथ कहीं कनेक्टेड थे, टेरा डेटा के थे, मजीद साहब लाहौर में, सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। आई सेड जी, और वो ये वांटेड डिटेल्स, आई सेड यार मैं बाहर हूँ, आई एम नॉट हेयर, तो आप एक मदद करें, आप लाहौर से चले जाएँ सादकाबाद, हैव अ लोकेटेड, ये बच्चा कार कह रहा है, तो आई थिंक गाइड हिम आल्सो। तो वो गए, उनको बहुत अच्छे लगा, एंड ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड ऑन द वर्किंग द वे इट वॉज हैंडलिंग स्प्रेड शीट्स अकाउंट डाटा। तो उन्होंने 5 घरों का उन्होंने कर दिया। अच्छा, तो 2500 2700 गए। तो फिर किसी ने कहा मैं बालद फात हुआ हुआ है, बालदैन फात हुआ है, सदका जारिया उनके नाम का। अच्छा, वी वुड पुट अ प्लेट देयर, ठीक है, जिसके नाम का। अच्छा, यूके से भी जो आ रहा था ना वो इसी तरह। अब तक 35 घर हमारे यहाँ पे बने हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। और ये आपने स्टार्ट अकेले किया था और फिर लोग आपके साथ जी, मतलब वन मैन शो है आप? नहीं, आई थिंक आई वुड से इट कि मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि मेरे पीछे बहुत लोग थे। दे वुड एनकरेज, पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस मेरा है कि पीपल एनकरेज यू अलॉट। मसला सारा ये है कि दे आर लुकिंग फॉर टू इंश्योर कि वो पैसा सही जगह जाता है, ट्रस्टवर्दी कोई शख्सियत होनी चाहिए, ठीक है। अभी मतलब यही वी केयर ने साथ, अभी ये तो घर हमने इधर बनाए, साथ किसी ने कहा जी के 6 हैं हैंड पंप लगा, तो मैंने हैंड पंप का उनको कहा कितने का लगता है जी, उन्होंने कहा जी जिस तरह गांव में देसी टाइप है 8,500 का, और वो नीचे पत्थर लगे होते हैं और ना रंग होता है कुछ होता है, वो निकाले। वो यूके में पता चला उनके लिए 8,500 कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे 111 पंप्स के पैसे भेजे, ठीक। और ये किस जगह पे अब आपने लगवाए हैं? ये वही उसी गांव के इर्द गिर्द एक्सपेंड कर दिया हमने, उसके गांव के इर्द गिर्द तकरीबन एवरी हाउस है अभी हैंड पंप, उसका वाटर है, उसका टॉयलेट है, उसका किचन है, और उसके वो 2 बने हुए हैं कमरे बने हुए हैं। तो अभी ये वहां पे हो गया। तो साथ ही अभी इस वी केयर ने यह किया कि उन्होंने कहा आप और क्या कर रहे हैं, मैंने कहा एजुकेशन में कर रहे हैं, सो दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। इट्स ओवरवेलमिंग, जितने मैं यहाँ इकट्ठे किए हैं तो तकरीबन उतने ही उन्होंने वहाँ पे भी इकट्ठे कर लिए, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैंने असल में ये किया है कि आई पिक्ड अप ये बच्चा है और ये उसकी इतनी फीस है, तो पीपल आर स्पॉन्सरिंग दैट चाइल्ड, तो वी टेल देम कि ये आपका बच्चा है और ये इतने पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, और जो जो उसके पैसे खर्च होते जाते हैं वी कीप टेलिंग है, आपने लेट से 150,000 दिया था, 42,000 इस्तेमाल हो गए, बाकी इतने अगली दफा 20,000 और एक डेटा मिलता रहे। सर जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप। दिस वाज द एजुकेशन, और इसके साथ यहां पे बेसिक चीज जो मैंने सीखी वो ये कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कदम उठा दीजिए, वो पहला कदम उठाना जरूरी होता है, और उसके बाद आप फिर देखें कैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और आप कोई खैर का काम करते हैं तो फिर उसका जज्बा, उसकी तस्कीन, वो सब कुछ अलग ही होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त दिया हमें। आप थोड़ा सा उसका मैं वेल्स का अगर इफ यू हैव अ मिनट तो आई जस्ट क्विकली ये वेल्स हमने थरपारकर में आई विजिटेड थरपारकर इन 2019 एंड आई रियलाइज देयर इज अ वाटर शॉर्टेज खासकर डेजर्ट। तो सोलर वेल्स हमने शुरू किए, 28 हमारे लग गए हैं। अरे जबरदस्त। और दो अभी लग रहे हैं जी। एक वेल पे कितना खर्चा आता है? तकरीबन 250,000, डिपेंड करता है डेप्थ कितनी है। पहले हम 150 पे भी बन जाता है, 180 पे भी बन जाता है, लेकिन आई थिंक वी गो टू द फार्देस्ट एरिया। और 28 वहां पर हो चुके, 28 हो गए, 2 अभी लग रहे हैं और 3 अभी और पाइपलाइन में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, ऑल द बेस्ट। और काम करते रहे, अगर रब्ता करना हो तो इनका फेसबुक अकाउंट मौजूद है, मंजूर इकबाल आवान के नाम, मंजूर आवान के नाम से, तो आप लोग जा सकते हैं और डोनेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम के पेज पे सबसे वेरे पाकिस्तान पे आप रब्ता करना चाहें तो उस पर भी आप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको नंबर वगैरह फराहम कर देगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। सियासत की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना करने पर जो है वो सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर, स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल को तलब किया। फिर इसके अलावा अभी जो है वो एलामिया जारी हो गया जी मुश्तरका तौर पर VDM की तमाम जमातों का, जिसमें वो जो 8 रुकनी बेंच है अदालत में जो बना हुआ है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और फिर पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट आपस में लड़ रही है या पार्लियामेंट जो है वो दीगर इदारों से लड़ रही है। और फिर उसके अलावा एक जो ख़ास चीज़ हुई पार्लियामेंट में वो थी कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उन्होंने हुकूमती अहदेदारों के हवाले से कुछ किले शिकवे किए, गूंज फिर उसकी सोशल मीडिया पर भी सुनाई दी गई। बड़ा उन्होंने जो है वो खुलकर कहा कि जी जो रवैया हुकूमत का है उनके साथ वो सही नहीं है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपोजिशन लीडर जनाब राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा थोड़ी सी मैं एक ज़रा कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेरी लाइलमी पर मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस वक्त आपका हम जो इंट्रोड्यूस करें तो वो किस सियासी जमात के साथ एसोसिएशन के हवाले से इंट्रोड्यूस करें, कौन सी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, क्या कहें हम जी? मैं तरीके इंसाफ के टिकट पर MNA हुआ था और अभी तक तरीके इंसाफ में हूँ। आज तक मैंने तरीके इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि असेंबली में बैठना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने असेंबली में नहीं बैठना। अब वो मिनते कर रहे हैं, उनके मेम्बरान स्पीकर के पाँव पड़ रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ जो था कि असेंबली में बैठना चाहिए और इमरान खान अपोजिशन लीडर बने और भरपूर करदार अदा करें, लेकिन वो इससे भाग गए थे, हम भागे नहीं। अब वो हमारे मौकफ की तहद कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं, मिनते कर ले हैं, स्पीकर साहब के पाँव पड़ रहे हैं। तो ये अब स्पीकर साहब जाने और वो जाने, हम तो उन्हें आज भी खुश आमदीद कहते हैं कि पार्टी का काम है। हाँ, ठीक है, अंदर बैठ के बात करें। और लेकिन जो आपको आपके साथ एक लफ्ज लगाया जाता है तरीके इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन और मुनहरिफ कारकुन और मुनहरिफ असेंबली, तो वो फिर मुनहरिफ क्यों कहते हैं? मतलब आपने अगर वोट नहीं डाला उनके किसी फैसले के खिलाफ तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली फिर क्या कहानी थी सर? हाँ, फिर मुनहरिफ कैसे हो गए फिर? तो आप बिल्कुल सही एक्टिव हुए इस पार्टी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। असल में पोजीशन ये है कि हमें, मुझे तो 3-3.5 साल पहले जब जहांगीर तरीन साहब पे पर्चा हुआ था तो आपने देखा मैं टीवी में हर जगह उनके साथ खड़ा होता था, अदालतों में जाता था और उनकी भरपूर मैं उनके मौकफ की तर्जमानी करता था। आपने 3.5 साल पहले ये देखा होगा। अब दूसरी बात ये कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी मैं खान साहब पर खुल के तनकीद करता था, बुजदार के वाले से, गोगी के वाले से, बनीगाला पैसे जाने के वाले से, तोशा खाना के वाले से, वफाकी हुकूमत में जो करप्शन हो रही थी, खान साहब की आंखों के नीचे करप्शन हो रही थी, तो मैं खान साहब को खुल के ये चीज़ें बताता था दो जगह पे। एक जब मेरी उनकी 1-to-1 मीटिंग होती थी, एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। यहाँ तक नौबत आ गई कि खान साहब ने मेरे पे पार्लिमानी पार्टी में जाने पर पाबंदी लगा दी कि राजा रियाज इधर बहुत बोलता है, बहुत गुस्से अच्छा। का इजहार करता है, तो उसे कहें कि पार्लिमानी पार्टी में ना आया करे। उसके बाद फिर मैंने खुल के असेंबली में भी खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये मैं आपको 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो इस खान साहब के खिलाफ अजमेतवाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं 2.5 साल पहले की आपको बातें बता रहा हूँ, बल्कि 3 साल पहले की। तो खान साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है और हमने भरपूर, जब खान साहब अपने अरूज पे थे, जब वो सबके साथ एक पेज पे थे, उनके मर्जी के बगैर चिड़ी भी नहीं पर मारती थी, उस वक्त मैंने खान साहब से लाने जंग किया, बगावत की और उनकी करप्शन और उनकी जो नलायकी और नहली वो जो सब कुछ था उस पर मैंने बात शुरू की थी। हमने इख्तलाफ किया था जब खान साहब खुल के बात होनी चाहिए, जो भी बात हो बिल्कुल सही बात है, दबंग तरीके से होनी चाहिए। अभी भी आपकी जो तकरीर थी अल्लाह का शुक्र है में थी, वो आपने खुल के कहा कि जी आप हुकूमत जो है वो आपके साथ बड़ा अजीब सा सलूक कर रही है, तो हुकूमत से क्या शिकवे हैं आपके? वो जी एक खास वजीर साहब थे, उनसे
मैं कोई एक महीने से रابطہ कर रहा था, वो रابطہ में नहीं आ रहे थे और वो उन वजीरों में से थे जो हर रोज़ जब हम नाराज़ थे और हमने कहा कि हम खान साहब के साथ नहीं हैं तो हर रोज़ वो हमें मिलते थे और कहते थे कि हिस्ट्री में आपको हीरो के तौर पे लिखा जाएगा। तो अब उनके इस रवैये से मुझे शिकायत शदीद हुई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें मुदाखलत की और वो तमाम मामलात को उन्होंने सेटल करा दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे लिए सबसे पहले इज़्ज़त है, जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी बहुत इज्जत करेंगे, जो नहीं करेगा हम भी उसके से ज्यादा उसकी इज्जत नहीं करेंगे। इमरान खान हमारी इज्जत नहीं करता था, हमने उससे 10 गुना उसकी मुखालफत की है। अब भी आखिरी बात कर ला, अब भी अगर कोई हमारी बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज हो सकता है, इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई इज्जत पे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जो हमारी इज्जत नहीं करेगा वो हमसे ये तो ना रखे कि हम उसकी इज्जत करेंगे, बल्कि उसके से 10 गुना आगे जाएंगे। तो अभी आपको इज्जत मुकम्मल तौर पर मिल रही है हुकूमत से? जी, अब हमारे हुकूमत से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो इमरान खान हमें रिस्पेक्ट नहीं देता था, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सिर्फ हमारी एक डिमांड है। और अब वो उन्होंने बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, करते रहेंगे, तरीके इंसाफ की तर्जमानी असेंबली में कर रहे हैं, करते रहेंगे। सही है, और आप इस चीज के हक में हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, जो 90 दिन का सारा मामला है जो पार्लियामेंट में अब आया है वो भी एक तरह से आईन के खिलाफ एक चीज हो रही है, क्योंकि आईन में 90 दिन का लिखा है, तो उधर आपकी पोजीशन है क्या? उस पर हमारी एक बड़ी वाज़ह पोजीशन है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का इसमें फायदा है। अगर आप इसको बलूचिस्तान के नजरिए से देखें, अगर आपको सिंध की नज़र से देखें, तो इलेक्शन पंजाब बड़ा सूबा है, कौमी और सूबाई असम्बली मुल्क के लिए ये बेहतर है, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, रियासत के लिए ये बेहतर है और सब पार्टियों के लिए ये बेहतर है कि एक दिन इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, जब भी हो, 90 दिन के अंदर हो, 90 दिन के बाद हो, सितंबर में हो, जुलाई में हो, जून में हो, सब पार्टियों को इमरान खान को वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने चाहिए और एक दिन बैठ के मुकर्र कर लें, उस दिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी हो, चारों सूबों में हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो, फ्री एंड फेयर हो और उसके रिजल्ट को तमाम लोग तस्लीम करें, ये भी जरूरी है। ये नहीं अभी जो आप दो इलेक्शन तो करेंगे हैं, वो तो कोई नहीं करेंगे राजा साहब, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक दिन होने चाहिए, अब वो एक दिन होंगे तो तब जब आईन में तरामीम होंगी, हाँ। तरमीमें होने के बाद वो एक दिन की कॉन्सेप्ट और कहानी शामिल होगी। अभी तो आईन जहां कह रहा है चारों असेंबलियां अलग अलग भी टूट सकती हैं, चारों असेंबलियां एक दिन भी टूट सकती हैं, पांचवी असेंबली जो नेशनल असेंबली है वो भी अलग अलग हो सकती है और उनके साथ भी हो सकती है, आईन इस चीज की खुली इजाजत देता है। आईन बनाया भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिससे आपका ताल्लुक है, वापसता रहे हैं आप बिल्कुल। तो अभी की जो आईन की किताब है वो ये कहती है कि 90 दिन में हो, जब भी असेंबली कोई भी इकट्ठे और अलग का ये उसमें कॉन्सेप्ट नहीं मुतारिफ कराया हुआ। जी सर, मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, आईन में यही लिखा है, लेकिन जिस नेज पे अब हम सारी सियासी जमातें पहुंच गई हैं, या जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, या जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं, जो और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आज इमरान खान और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, इमरान खान और पीडीएम एक जगह बैठ जाए, बैठ के फैसला कर लें कि हमने जुलाई में इलेक्शन कराने हैं, तो कल इसकी तरमीम भी अगर इमरान खान आ जाए तो 2-3 से तरमीम भी हो सकती है, तो वो भी आइन में तरमीम करके हम इसको कह दें कि फलां दिन को इलेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान बैठने के लिए नहीं तैयार, उसकी वजह से परसों जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि इमरान खान को बिठाने की क्या जरूरत है, अनपॉपुलर किस्म का लीडर है, मतलब उसकी कोई पॉपुलैरिटी है कोई नहीं है, जलसों में लोग उसके आते नहीं है, इलेक्शनों में हार जाना है तो उनको बैठने की क्या जरूरत, बाकी 13 जमाते हैं, मतलब एक इमरान ही नहीं है ना दरमियान में, बाकी तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो सारे इकट्ठे बैठ के आपको पता नहीं, लेकिन ऐसे करें मोहतरमा वहां पे वोट की जरूरत है आईन में तरमीम करने के लिए, और वो वोट इमरान खान के पास हैं, और इमरान खान अगर उन वोटों का सही इस्तेमाल करें तो बैठ के जो ये चीज तय करें पार्लियामेंट में, वो आईनी तब्दीली हो सकती है, इस बात को समझने की। तो स्पीकर साहब दूसरा रहा कि आपको किसने कहा है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशन, नहीं इमरान खान अगर बैठेगा,
आप मेरी बात, अगर इमरान खान वजीर आजम से बैठेगा तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं मुख्तसर सा आपको जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात, जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए वो क्या उसको वो खत्म हो जाएगा वो मामला? फिर दोबारा गौर से सुन लें, अगर इमरान खान और पीडीएम मियां शहबाज शरीफ साहब एक मेज पे बैठ जाएं तो तमाम इशू एक दिन में हल हो सकते हैं। अब इस पर गौर आप खुद कर लें। दूसरा, आपको किसने कहा है कि इमरान खान इमरान खान पॉपुलर है? इसमें कोई शक ही नहीं है, हकीकत को मानना चाहिए। कहती है सर, वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। अब नहीं, मेरी मैं तो कुमन नहीं हूं ना, मेरी अर्ज सुन लें, वो पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने चार साल मुल्क के अदारे तबाह किए, इंतहाई नाअहली से हुकूमत चलाई, करप्शन अपने रूज पे थी, कोई चीज़ बेहतर नहीं की। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म की सीट से उतरे और जो उन्होंने जिस तरह के साइफर और ड्रामे किए उसकी वजह से उन्हें वो अपने ड्रामों में कामयाब हुए हैं और उन्होंने लोगों को एक गलत पिक्चर दिखा के अपने पीछे लगाया है। मैं इस चीज़ का इतराफ करता हूँ, लेकिन ये जो गलत और दो नंबर पिक्चर है ये एक्सपोज होनी है। अभी वो पॉपुलर हैं, इसको मैं इकरार करता हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी कहता हूँ कि ये दो नंबर पिक्चर जब एक्सपोज होगी शायद उस वक्त वो पॉपुलर ना रहे। सही, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो वो पॉपुलैरिटी वोट में आपको लगता है कि कन्वर्ट होगी? अभी जो आज के हालात हैं उसमें तो कन्वर्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिर सर, मामला तो फिर यहां पर आ गया ना। नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन होने चाहिए। आपने कहा था आप अपना मौकफ बताएं, मैंने अपना मौकफ बता दिया है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ बैठे आइन में तरमीम कर लें और एक दिन तय कर लें, जून का कर लें। जी सही है। अच्छा, और आपका हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या अब इरादा है अपने इलेक्शन के हवाले से, अगर इलेक्शन कभी भी होते हैं, चाहे आज हो, कल हो, अक्टूबर में हो, जब भी हो, आपका क्या इरादा है अपनी सियासत के हवाले से, आप कैसे किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं जब इस सीट से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं आजाद हूंगा, मैं अपना सियासी मुस्तकबिल का अपने साथियों के साथ जो मेरे साथ हैं हम बैठ के फैसला करेंगे। एक चीज तय है कि हम जितने लोग इमरान खान से नाराज़ हैं हमने पीटीआई का टिकट ना मांगना है ना उन्होंने देना है, ये एक हकीकत है। इसलिए हम सारे दोस्त बैठेंगे, बैठ के फैसला, अभी तक हम सब तरीके इंसाफ में हैं, अब रिटायर हो जाएंगे हम बैठ के फैसला करेंगे और उस फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे और इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। नून लीग की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ? ये अभी मैंने आपको कहा है कि हमारा ग्रुप बैठेगा, रिटायर होने के बाद हम मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे और जॉइंटली बैठ के अनाउंस करेंगे कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। और आखिरी चीज सर जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और जो हमारे पास सारे मुआशी आशारिये आ रहे हैं जिसको सही करना था इस हुकूमत ने आके, तो उस हुकूमत के एक साल को जो परफॉर्मेंस रही है, आप बहसियत अपोजिशन लीडर उसको कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत कामयाब रही है अपने उस नैरेटिव में जो ये था कि इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया है तो हम आके इसको सही कर देंगे? देखें, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ, आपके पास मेरे जितनी इंफॉर्मेशन यकीनन नहीं है, मैं आपको एक हकीकत बताने लगा हूँ। हकीकत ये है कि तमाम अदारे इमरान खान ने तबाह किए थे और इस बुरी तरह तबाह किए हुए थे, इस तरह बाहर के मुल्कों से अपने तलकात को ख़त्म किया हुआ था, IMF के साथ झगड़ा किया हुआ था, तमाम जो मुल्क के अंदर अदारे थे और मुल्क के बाहर हमारे मामलात थे उनका बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया था। ये हुकूमत आके उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है, बोझ बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए वो टारगेट अचीव नहीं हो रहे जो होने चाहिए थे, ये एक हकीकत है। लेकिन मेहनत ये हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है और IMF से आप जानते हैं कितनी मेहनत के बावजूद अभी तक मुआहदा नहीं हो सका। इमरान खान ने खत लिखाए थे अपने दो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना से
कि आप इनसे मुआहदा ना करें, वो ख़त भी इशू बन रहे हैं। ये मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने ये हरकत की है। इसके बावजूद अगर लोग इमरान ख़ान के साथ हैं तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और रियासत के साथ, वो जो दो ख़त लिखाए गए थे दो सूबाई वज़रा से पंजाब और KP के, वो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ इमरान खान ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। इतना तो इंडिया का कोई आदमी मुल्क के साथ ज्यादती ना करे अच्छा। इतनी इमरान खान ने ज्यादती की है। अच्छा सर, अब मैं दोबारा उस पे आऊंगी जो दरमियान में मेरी बात रह गई थी, वो टिकट वाली, कि आपने कहा कि अभी आपका ग्रुप बैठेगा और जाहिर है फैसला करेंगे कि किस टिकट से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जिसका भी टिकट होगा इन्हीं 13 जमातों में से होगा, जाहिर है मेन सारी इंडिपेंडेंट हो सकता है। नहीं नहीं, हम देखिए, हम 21 MNA हैं और कोई 25 के करीब हमारे ग्रुप में MP हैं। हम हो सकता है अपनी नई जमात बना लें और अपना नया चेयरमैन मुंतखब कर लें और उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। ये हमारे पास सारी चॉइस है और हम इस पर गौर भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला इस रिटायरमेंट के बाद करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा रियाज साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक की ही सीट पर अभी तक वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं एज अपोजिशन लीडर, और हमें बता रहे थे कि इनके अपने इरादे इलेक्शन के हवाले से हैं क्या। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपसे जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने बात की थी कि शिफा की जो आवाज़ थी, जो अंदाज था, वो ज़रा धीमा था। अब ये हो जाता है, इससे कैसे बचा जाए? और ख़ास तौर पर शिफा, रोज़ों में तो बचना होता है इससे। सोनिया लोधी साहिबा फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक। आपको भी बड़ा लेट रमजान मुबारक, जब भी हो आखिर दिन में मुबारक। लेकिन इनकी हालत हो चुकी है बहुत ऐसी, थकान, अजीब सा एक ऑफ सी सिचुएशन, ये अलर्टनेस लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है, फोकस आपका लूज हो जाता है, इसको कैसे बेहतर करें? असल में देखिए, फास्टिंग में क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपका स्लीप पैटर्न भी ऊपर नीचे हुआ हुआ होता है, और हमारा जो खाना पीना है वो भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारा फिटनेस गोल उस वक्त जीरो हुआ हुआ होता है, हम खुद ही गोल हो चुके होते हैं रमजान में, यूजुअली ऐसा ही होता है। सो अगर आप अपना फिटनेस लेवल और अपना स्लीप पैटर्न बरकरार रखना चाहते हैं तो रमजान में जब जब आप नैप ले सकें बहुत अच्छी बात है, चाहे वो एक घंटे की ही क्यों ना हो, जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो लेथार्जिक फील करेंगे, जैसे आप इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अब हमें जाना है दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ, वो ट्रांजिशन कैसे हो? असल में बुनियादी मकसद ये, एक से दो रोज तो लगेंगे फॉर श्योर आपको, क्योंकि बॉडी एक महीने से आपकी उसी रूटीन में है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा। आप अपना स्लीप पैटर्न आपको अच्छा रखना है, जैसे ही रमजान ओवर होते हैं और आप अपने रेगुलर रूटीन में आते हैं तो वो 6 से 7 घंटे वाली स्लीप, थोड़ा सा जल्दी सोना। ईद वाले दिन तो सब सोते ही रहते हैं, ईद वाले दिन तो सोते ही रहते हैं, ईद से ही स्लीप पैटर्न ठीक होना शुरू हो जाता है आपका। और खाना पीना, खाना पीना जो है ना वो थोड़ा सा सही करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप डीप फ्राइड खा रहे होते हैं चीज़ें, ये सब आपको बज़ाहिर बड़ी यमी लग रही होती हैं और बड़ा स्क्रम्शियस आपका मील नज़र आ रहा होता है और हम भी सोचते हैं बस खा लें, लेकिन वो रमज़ान के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं। वो जो लेथार्जिक आप हो रहे होते हैं वो सिर्फ नींद की वजह से ही नहीं, उल्टा सीधा खाने की वजह भी है इसमें। बिल्कुल अनहेल्दी, ठंडा ठंडा शरबत पी लेते हैं, उसके बाद इफ्तार के फौरन बाद चाय कॉफ़ी शुरू हो जाती है, तो हर बेचारा क्या करें, तली हर चीज ही डीप फ्राइड होती है, हर चीज शैलो फ्राई हमें करना आता नहीं है। पूरियों का वाकई शिफा को बहुत तो शौक भी बहुत है, मैं भी वही बता रहा था, 3 पूरियां कल खाई और आप कह रही हैं तली हुई पूरियां होती हैं, तौबा करें शिफा, आपकी भी पूरियां यहाँ चमक रही हैं, मेकअप की वजह से चमक रही हैं, मैंने इस रमजान बड़ा कोशिश की है, बड़ा हाइजीनिक और वो बड़ा अच्छा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो रमजान में फिटनेस गोल अपना अचीव करते हैं, वो भी बहुत आसान है अगर कोई अचीव करना चाहे, अभी 8-10 रोजे हैं हमारे पास। सो इसके अंदर आप लोग कैलोरी डेफिसिट में रहिए, जितनी भी कैलोरीज आपके जिस्म को रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक लेट्स से 1000 कैलोरीज, एक वैसे बात कर रही हूं मैं, तो आपने 800 के अंदर अंदर खाना पीना है, और थोड़ा सा जी, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो वेट रिड्यूस होगा, अदरवाइज कितना ही वर्कआउट कर लें, 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं आप और खाना पीना अच्छा नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है। बढ़ाना हो तो
बढ़ाना हो तो ऑब्वियसली ज्यादा खाएं, डबल खाएं जी, ज्यादा आप खाएं, मिल्क शेक्स वगैरह उसमें ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करें, किशमिश बादाम वगैरह उसमें ऐड ऑन होते हैं. अदरवाइज ज्यादातर लोगों को वेट कम ही करना होता है, लाइक हार्डली कोई ऐसा आता है जिसको वेट बढ़ाना होता है अपना. अदरवाइज दोनों सूरतों के लिए रमजान बहुत अच्छे हैं. ये जिंदगी में पैदा ही एक्सेप्शन के लिए हुए. तो आपके लिए वेट बढ़ाने वाला, आपके लिए वेट कम करने वाला, तो जिस तरह से दो डिफरेंट लोग हैं उनका वर्कआउट प्लान, उनका डाइट प्लान, सब चीजें मुख्तलिफ, यहाँ तक कि स्लीप पैटर्न भी सबका मुख्तलिफ होता है. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं भाई हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना पीना भी ठीक है, और फैट पॉकेट्स जो है वो हमारी जान ही रही है. वो अब वो फैट पॉकेट्स होती है, लव हैंडल्स पे है, तोंद है छोटी सी, तो ये जो अब सिलसिला है कि आपने वर्कआउट भी किया है लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा लूज करें लेकिन आपको फैट लूज करना है, तो उसके फिर क्या टिप्स हैं? देखिए, ये जो आपने जगह बताई है ना, ये स्पेसिफिक वो जगह हैं कि जब आप एक्स्ट्रा फैट खा रहे होते हैं तो वो लग रहा है, तो वो जाके वहीं आपका डिपॉजिट हो रहा होता है. दूसरी चीज कि जब आप फैट बर्निंग जो आपका प्रोसेस है ये रुक भी जाता है, जिसे हम पिलाटो कहते हैं यूजुअली, रुक जाने का अमल जो है वो आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, जरा सा भी स्ट्रेस आया तो बॉडी ने फैट डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, ऐसा भी होता है. और नींद पूरी नहीं हो रही, स्लीप पैटर्न ऊपर नीचे हुआ हुआ, तब भी मतलब हर तरह से आपकी बॉडी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता इतना है. मेरा बैंक डिपॉजिट होता अल्लाह करे तो क्या ही बात थी, फैट डिपॉजिट हो गया इसके चक्कर में. या फिर हम फैट को भी एज अमाउंट यूज कर रहे होते तो क्या ही बात, अमीर होते सब लोग आज. लेकिन ये कि जहां तक फैट बर्निंग वाली बात है तो इसमें सबसे ज्यादा कैलोरी डेफिसिट यानी कि अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाना, दूसरा नींद, और वर्कआउट प्लान. प्लीज अगर आपका कोई फिटनेस गोल है तो उस वर्कआउट प्लान को आप अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करें, जो कि सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है. प्लीज उसके साथ डिस्कस करें कि आपकी रूटीन क्या है, आप कितना सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कब कब खाते हैं, कैलोरी काउंट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ही आप लिथार्जिक नहीं फील करेंगे, खुश खुश रहेंगे. अच्छा, जब ये तमाम चीजें अच्छी चल रही होती है ना तो वैसे ही आप पॉजिटिव रहते हैं. जी बिल्कुल, जब उठते हैं तो खुशी खुशी उठते हैं. बिल्कुल, खुशी के आसार नजर आ रहे हैं. मैं अभी खुश करता हूँ, एक मिनट में आपको जो है ना वो 30 सेकंड में आपको मैं खुश करता हूँ. वो खुश करने का तरीका ये, बहुत शुक्रिया सोनिया आपका वक्त दिया. थैंक यू सो मच करने के लिए. और आप क्या सोएंगे? बहुत खुश हुई है नाजरीन, ये प्रोग्राम आज जो हम खत्म कर रहे हैं ना, इस पे आप देखिए अब चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई सोनिया को देख के भी आई मुस्कुराहट. आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.